अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गायब शख्स को भागे हुए को वापस बुलाने के लिए एक बेहतरीन कामयाब आसान मुजर्रब अमल के बारे में। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स घर से भाग कर दूसरे शहर या दूसरे मुल्क चला गया है या अपनी मर्ज़ी से चला गया है मगर वापस आना नहीं चाहता है, आप चाहते हैं कि उसको वापस बुलाया जाए ताकि वो शख्स जो है घर अपने वापस आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्स जो है भागे हुए को या दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में रहने वाले को वापस बुलाने के लिए बहुत ही आसान सिंपल अमल है। चलिए बहरहाल सबसे पहले मैं आपको अमल पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में इसका पूरा तरीक़ा आपको बताने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है या दयानु या दर दाइलु बेहक्की या दाल, या दयानु या दर दाइलु बेहक्की या दाल। बस इस तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीक़ा ये रहेगा कि आपको रात के 3 बजे उठना है, उठकर के जो है आपको वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपको जो है आसमान की जानिब आपको देखना है और देखते हुए पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो है या दयानु या दर दाइलु बेहक्की या दाल ये आपको सिर्फ 70 मरतबा आपको पढ़ना है। लास्ट में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और उसका नाम और उसकी माँ का नाम लेकर के जो है उसको पुकारना है कि तुम घर को वापस आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन या उससे ज़्यादा 21 दिन कर लीजिएगा। अल्लाह ने चाह तो 7 या 21 या जो 7 या 11 या 21 दिन के अंदर अंदर रब के फजल से घर से गया हुआ शख्स जो है वापस आ जाएगा। बेहतरीन कामयाब आसान मुजर्रब अमल है, किसी भी शख्स को भागे हुए को वापस बुलाने के लिए ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुंचाना, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।